एडिशनल एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे इसी की। 7.12 क्वेश्चन। एन एलसी सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली? Is it conserved during LC oscillation? What is the natural frequency of the circuit? At what time is the energy stored? Completely electrical, completely magnetic? So ये basically हमारा LC circuit है जिसकी information हमें almost सब कुछ given है। L is 20 मिली हेनरी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला हमने प्रीवियस बनाई है उसमें हमने एनर्जी स्टोर नहीं डाली, बट यू शुड नो द एनर्जीज एज वेल। आपको अगर एनर्जी की वैल्यूज पता है then only you can do this। अगर आप एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी करते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। एलसी ऑसिलेशंस में हमारी एनर्जी स्टोर कितनी होती है? हाफ क्यू नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी इन एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट की हमारी होती है क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। एंड इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी होती है हमारी हाफ एल आई स्क्वायर। सो एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। एंड कैपेसिटर में तो हमें पता ही है कि हाफ सी स्क्वायर या क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2C। सो एलसी सर्किट कंटेनिंग 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलम। सो इनिशियल चार्ज का मैक्सिमम चार्ज लेंगे विच इज 10 मिली कूलम। 10 मिली कूलम मीन्स 10 × 10⁻³ कूलम। दिस इज ऑल व्हाट इज गिवन टू यू। So resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed if t is equal to zero. तो आपको एलसी ऑसिलेशन माइंड में रखना है जो हमने पढ़ा था। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली? अगर हम एल और सी सर्किट को ध्यान रखेंगे तो बच्चे यू मस्ट रिमेम्बर की इनिशियल एनर्जी हमारी पूरी की पूरी किसके पास है? कैपेसिटर के पास। जब कैपेसिटर फुली चार्ज है इन वन डायरेक्शन से अपर प्लेट इज पॉजिटिवली फुली चार्ज एंड लोअर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। Now you release it. So initial energy हमारे पास क्या है? Initial energy is Q naught square by 2C, which is in the form of electrostatic field energy of capacitor. ठीक है? So t is equal to zero पे this is the total energy stored. Is it conserved during LC oscillation? Yes, it is conserved if there are no losses. It is conserved if L and C are pure LC, means there are no dissipative losses. If there are no losses, या आप साथ में ये लिख सकते हैं that is L and C are ideal, ideal, not ideal, ideal C and ideal L, that is pure L and pure C अगर है हमारे पास तो there is no energy loss and the energy remains conserved. Is it clear? ठीक है बच्चे, चलें आगे। Second part of the question says, what is the natural frequency of the circuit? हाँ यार, natural frequency of the circuit क्या है बच्चे? Natural frequency of LC circuit 1/√LC. Second, at what time is the third part? At what time is the energy stored? Is completely electrical? You remember LC oscillation में हमारी energy stored completely electrical कब कब थी? T is equal to zero पे तो है ही है। उसके बाद मैंने आपको बोला था बच्चे आप T/4 के साइकिल चलाते जाइए। जैसे SHM होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है तो एनर्जी पोटेंशियल T/4 के बाद मीन पे आता है प्योरली काइनेटिक, देन पोटेंशियल, देन काइनेटिक, देन पोटेंशियल। जहां हमारी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, वो हमारी कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो T = 0 पे एनर्जी इज प्योरली इलेक्ट्रिकल। प्योरली इलेक्ट्रिकल का मतलब स्टोर्ड प्योरली इन द कैपेसिटर। तो T = 0 पे कैपेसिटर में है, तो T = T/4 पे
क्या हो जाएगी, अक्रॉस द इंडक्टर पेंडुलम एक्सट्रीम से कहां आता है, मीन पे, मीन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रो इस सर्किट का हमने एनालॉग बनाया था, तो जब वहां पे काइनेटिक है तो यहाँ पे क्या है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, जब करंट मैक्सिमम होगा। इसी सी का सेकंड पार्ट है कंप्लीटली स्टोर्ड इन द इंडक्टर, पी बाय फोर से फिर इज कंप्लीटली स्टोर्ड इन द इंडक्टर, पी इज इक्वल टू जीरो पे कंप्लीटली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, फिर फर्दर टी बाय थ्री, टी बाय फोर से पहले बच्चे टी बाय टू आएगा, तो टी बाय टू पे अगेन इट इज इलेक्ट्रिकल, थ्री टी बाय फोर पे अगेन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर, एंड अगेन टी पे ये क्या है, कैपेसिटर। एक पूरा ऑसिलेशन आप चार्ज का देखेंगे, चार्ज फुली है, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज है, देन फुली डिस्चार्ज एंड फुली चार्ज, तो ये टी बाय फोर पे, ये टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये टी बाय टू पे, दिस इज थ्री टी बाय फोर पे अगेन दिस, एंड फिर टी पे हमारी एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कैपेसिटर के पास। दिस इज पॉइंट क्लियर टू यू, सो एट टी इज इक्वल टू जीरो टी बाय फोर टी बाय टू थ्री टी बाय फोर टी, या टी बाय फोर के चार साइकिल्स बना लेंगे, इसमें एनर्जी प्योरली कैपेसिटर के क्रॉस, इसमें एनर्जी इंडक्टर यानी यहां मिली एनर्जी है टोटली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय टू सी, रादर क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी। इस पॉइंट पे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया और पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर की फॉर्म में है, फिर एक क्यू स्क्वायर बाय टू सी, फिर हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, फिर क्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाय टू सी, तो टी बाय फोर के आप साइकिल्स बनाते जाएंगे। जीरो पे कैपेसिटर के क्रॉस इन कैपेसिटर, टी बाय फोर पे इंडक्टर के पास, और मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है, कैपेसिटर की एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, और इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, एंड आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू, ठीक है बच्चे। एंड देन फोर्थ पार्ट, At what times is the energy shared equally between the inductor and the capacitor? आपको याद होगा ये मैंने आपको बताया था, हमने प्रूव भी किया था कि what are the times when the energy stored is equally shared between the capacitor and the inductor? देखिए बच्चे, टोटल एनर्जी इनिशियली कैपेसिटर के पास जो थी वो हमारी कंजर्व है, वो है क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी, फाइन। अब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप चाहते हैं कि कैपेसिटर के पास जो एनर्जी आ जाए वो हाफ तो कैपेसिटर के पास आ जाए और हाफ इंडक्टर के पास, सो लेट एट टी टाइम द एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर, एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड, लेट अस सपोज दिस इज अ सिचुएशन, देन इन दिस सिचुएशन योर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी UE dash should be half of Q naught square by 2C, and it means it should be having the charge Q dash us time pe, so Q dash square by 2C is the charge on the capacitor. See what am I saying, ki hamari total energy jo hai wo half aa gayi capacitor pe, to agar wo half aa gayi hai तो इट मीन्स हाफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ चार्ज कैपेसिटर के पास है और कुछ चार्ज नहीं है, यानी व्हेन यू क्लोज द सर्किट ये चार्ज कैपेसिटर से अपर प्लेट से जो लोअर प्लेट पे ट्रांसफर होता जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द अपर प्लेट टू द लोअर प्लेट, और धीरे धीरे आपके पास इसका चार्ज कम होता जा रहा है, जब इसका चार्ज कम हो रहा है तो इसकी एनर्जी स्टोर भी कम हो रही है, और वो एनर्जी कहाँ जा रही है, इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, तो थोड़ी एनर्जी इंडक्टर के पास आ गई, थोड़ी एनर्जी कैपेसिटर के पास, एंड वी वॉन्ट कि ये एनर्जी इक्वली शेयर हो जाए, तो इनिशियल एनर्जी अगर क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी थी तो उसका हाफ जो है वो आ जाना चाहिए कैपेसिटर पे, तो जब एनर्जी हाफ हुई तो उस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज मैंने ले लिया क्यू डैश स्क्वायर बाय टू सी, मतलब एनर्जी क्यू डैश स्क्वायर बाय टू सी हो गई और चार्ज हो गया क्यू डैश, ठीक है। इट मीन्स लेट एट टी टाइम, एट टी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एनर्जी इज शेयर्ड
equally energy is shared equally between the capacitor and the inductor. So capacitor के पास इस stage पे जो energy है वो half of total energy है. तो half of total energy means half of Q naught square by QC. और इस time पे कुछ ना कुछ charge तो होगा, वो charge मैं ले रही हूँ Q dash. So Q dash square by 2C is actually half of Q naught square by 2C. ये हाफ नहीं आएगा बेटा, ये एनर्जी है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. चार्ज अगर Q dash का किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो एनर्जी हो गई Q dash square by 2C and this energy is half of the total energy. तो when you equate it, 2C, 2C will get cancelled and you get Q dash is equal to Q naught by root 2. तो जिस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज Q naught by root 2 बचा, उस टाइम पे कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी वो हो गई हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी. तो हाफ ऑफ टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ Q naught square by 2C एंड दिस इज Q dash square by 2C. तो उस टाइम पे कैपेसिटर के पास चार्ज कितना हो गया Q naught by root 2. Then we know that ये चार्ज जो LC ऑसिलेशन कर रहा है, जो चार्ज कैपेसिटर पे है, इट इज ऑसिलेटिंग. हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो हमने बनाई थी D2Q by DT square plus omega square Q is equal to 0. ये LC ऑसिलेशन में मैंने आपको बताया था, where omega is equal to 1 upon root LC और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC. जब चार्ज आपका ऑसिलेट कर रहा था तो Q by C माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 के जॉब्स रूल लगा के हमने ये इक्वेशन निकाल ली थी. एंड आई टोल्ड यू कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा T. मैथ्स वाले बच्चे निकाल सकते हैं, नॉन मैथ्स वालों को ध्यान रखना पड़ेगा. तभी हमने ये जो कॉस का बनाया था ये उसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमने बनाया है, दैट Q इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाय 2C इनिशियल चार्ज, देन चार्ज बिकम 0, देन नेगेटिव, देन 0, देन पॉजिटिव. ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज ऑसिलेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द साइन कर्व. तो इट मीन्स ये चार्ज की इक्वेशन है. अब जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरा चार्ज Q था, आई जस्ट पुट हियर एज कैपिटल Q बिकॉज हमने शुरू से सब जगह कैपिटल Q लिया है. तो दिस इज Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा T एंड Q एट दैट इंस्टेंट इज Q डैश. सो Q डैश इज इक्वल टू Q नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा T. तो आपको वो इंस्टेंट ऑफ टाइम मिल जाएगा जब चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर पे कितनी है Q नॉट बाय रूट 2. और ये वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है जब चार्ज Q नॉट बाय रूट 2 है तो एनर्जी हाफ की. व्हेन एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, चार्ज इज Q नॉट बाय रूट 2 एंड चार्ज ऑसिलेट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. सो इट मीन्स कॉस ओमेगा टी इज 1 बाय रूट 2 विच मीन्स ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 5/4. कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होती है? 45 पे, फर्स्ट टाइम पे 45. So I'm just finding that one particular instant of time. So T will be equal to pi by 4 omega and omega ki jaga aap substitute karenge 2 pi by T. Fine. Omega ki jaga aap kya put karenge? 2 pi by T. Beta wo nahi, ye omega hamara frequency of oscillation hai. Ye theta wala omega T hai hamara, hai na? To usme hum 2 pi by T, omega is equal to 2 pi by T. क्योंकि ये मैंने थीटा वाला ओमेगा लिया. सो 2 पाई बाय टी लेके पाई पाई गेट कैंसिल एंड यू गेट पी बाय 8. एंड एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना है, द टाइम व्हेन एनर्जी शेयर्ड इक्वली, फर्स्ट टाइम इज टी बाय 8, सेकंड टाइम इज 3 टी बाय 8. मैथ्स वाले बच्चे आगे देख सकते हैं कि कॉस की वैल्यू 1 बाय रूट 2 एक बार कब होती है? टी बाय 8 पे होगी.
यानी एक बार पाई बाय फोर एंगल आएगा, दूसरी बार कौन सा एंगल आएगा बताइए, 1/√2 की वैल्यू आपकी कॉस की नेक्स्ट टाइम कब आती है, एक बार पाई बाय फोर पे आएगी, दूसरी बार मतलब 45 के बाद दोबारा इसकी वैल्यू 1/√2 कब होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगी, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज, मैथ्स वाले बच्चों को निकालनी है, आपको सीधा टाइम्स याद रखने हैं। तो हमारे जो टाइम्स हैं वो है T/8, 3T/8, 5T/8 एंड सो ऑन, चेक इट आउट। तो हमारे पास जो एनर्जी ये चार्ज आएगा वो एक बार T/8 पे आएगा, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 3T/8, देन 5T/8 एंड सो ऑन। रियांश मुझे बताएंगे आप ओमेगा टी की वैल्यू 1/√2 कब होती है, पाई बाय फोर के बाद कब होती है, एक बार तो पाई बाय फोर पे होती है, दोबारा कब होती है कॉस के केस में, हरिया एनी चाइल्ड ध्रुव आप बताएंगे, 3π/4, वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई जब आप 3π/4, पाई बाय फोर की जगह जब आप 3π/4 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये टाइम जो आ जाएगा वो 3T/8 आ जाएगा, फाइन। तो हमारा कैपेसिटर में जो एनर्जी हाफ होगी वो फर्स्ट टाइम T/8 पे होगी, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3T/8, देन हो जाएगा 5T/8 एंड सो ऑन। So these are the times when energy is shared equally between the capacitor and inductor. ठीक है? Then he says, if a resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as heat? If a resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated in the form of heat? Any guesses? बताएंगे बच्चे? द होल एनर्जी, टोटल एनर्जी, यू रिमेम्बर मैंने आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस कराई थी, मैंने आपको बोला था अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो दिस एनर्जी विल कीप ऑन डिसिपेटिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। वैसे भी हमारे पास आइडियल इंडक्टर तो होता ही नहीं है, आइडियल कैपेसिटर भी नहीं होता, तो अगर आप आज भी कनेक्ट कर रहे हैं देन द टोटल एनर्जी, द लास्ट पार्ट आंसर इज होल एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी विल बी डिसिपेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट इवेंचुअली, क्योंकि उसने इवेंचुअली वर्ड डाल दिया, अगर वो हमें टाइम देता दैट वी वुड हैव कैलकुलेटेड, तो भी हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें डैम्पिंग फैक्टर गिवन हो कि पर साइकिल कितनी एनर्जी लॉस हो रही है तो कितनी देर में खत्म होगी, इवेंचुअली तो सारी ही लॉस हो ही जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर आप एक बॉल को रोल करके ग्राउंड में छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद तो वो रुक ही जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस तो कॉन्स्टेंटली एक्ट करते रहेंगे। Same is case here. चार्ज आपने एक बार डाल दिया कैपेसिटर पे, यू हैव मेड द कैपेसिटर चार्ज, उसके बाद वो चार्ज आपका फ्लो कर रहा है इंडक्टर के थ्रू होके वापस कैपेसिटर के अंदर, पहले कैपेसिटर को वो कर देगा चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस फर्स्ट कैपेसिटर प्लेट्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, T/4 के बाद सारा का सारा एनर्जी इंडक्टर के पास आ जाएगा, फिर ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन पे दोबारा डिस्चार्ज होगा, तो हर साइकिल में थोड़ी 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 एनर्जी क्या होती जाएगी, डिसिपेट आउट होती जाएगी, तभी हम ये एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज शो करते हैं कि फर्स्ट टाइम करंट टाइम मतलब ये चार्ज का एम्पलीट्यूड ये था, सेकंड टाइम पे और कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो एनर्जी आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, एंड इवेंचुअली द होल एनर्जी विल बी डिसिपेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू।